दोस्तों, आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टडी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट को, तो ऐसे सवाल आपके सामने कई बार आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए। गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवेज़ की एग्ज़ाम्स या MPSC एग्ज़ाम्स के अलावा कई एग्ज़ाम्स में ऐसे सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। CBSE के कई स्कूल ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, तो उनमें भी दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुनील, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और नीचे दिए गए बटन को दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो पहला सवाल है वो है स्क्वेयर रूट ऑफ 0.4444 डैश 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 डैश। दोस्तों, ऐसे सवाल को सॉल्व करने से पहले हम इस सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, 0.4444 ये नंबर रिपीटेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ऐसे नंबर को हम विनकुलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नंबर है 0.44444 डैश डैश डैश, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 बार। इस विनकुलम बार का मतलब होता है कि ये नंबर कंटिन्यूस है और रिपीटेटिंग है। तो दोस्तों, ये जो नंबर है 0.444 डैश डैश डैश, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी नंबर जो कि P/Q इस फॉर्म में आता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर होता है P/Q इस फॉर्म में। दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, तो हमें वही नंबर 0 पॉइंट के बाद रिपीटेटिंग कंटिन्यूस मिलता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। कोई भी एक नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे को आंसर मिलता है 0.333333 कंटिन्यू। उसी तरह से हम दूसरा एग्ज़ाम्पल देखेंगे। हम अगर 5 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो हमें 0.5555 डैश 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 ये नंबर मिलता है। तो दोस्तों, इसी का मतलब ये है कि 0.4444 डैश 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 वो नंबर है 4/9। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमने डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि P/Q इस फॉर्म में है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल और लेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। फॉर एग्जांपल 0.767676 डैश 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 रिपीटेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। दोस्तों, इस नंबर में दो डिजिट रिपीट हो रहा है, 767676। इसी का मतलब है ये जो नंबर हमें मिला है वो 76 को 99 से डिवाइड करने के बाद मिला है। तो दोस्तों, रिपीटेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम इस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो 0.4 बार को हम 4/9 लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको कभी 0.8 बार मिले, तो आप लिख सकते हैं 8/9। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आए। तो चलिए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम है स्क्वेयर रूट में 0.444 डैश 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 ये है, इसीलिए हम स्क्वेयर रूट में लिख लेंगे 4/9। अब स्क्वेयर रूट में 4/9 को हम लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट में 4/9। अब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों इस प्रॉब्लम में। देखिए, बहुत आसान है। स्क्वेयर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है, और स्क्वेयर रूट ऑफ 9 जो होता है वो 3 होता है। तो इस तरह से हमें आंसर मिला है। आप चाहे तो यहाँ तक ही प्रॉब्लम को रखें, या कुछ लोग इसे डिवाइड करके इस प्रॉब्लम को और आगे लिख सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 0.6666 डैश 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 कंटिन्यू। तो दोस्तों, यही जवाब है इस सवाल का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझा होगा।
तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। इस सवाल को हम मिटा देंगे। दोस्तों इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है वो है 0.7777 इसका स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता है कि हम इस 0.777 इस नंबर को लिख सकते हैं 0.7 बार, और 0.7 बार का ही मतलब होता है 7/9। इसी को हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर इस फॉर्म में, तो हमें मिल गया 7/9। अब देखिए दोस्तों, हमें ये जो नंबर है इसका स्क्वायर लेना है, मतलब इस रैशनल नंबर का 7/9 का हमें स्क्वायर लेना है। तो इस तरह से हमने 0.777 इस नंबर को इस फॉर्म में लिख लिया है दोस्तों। अब देखिए ये जो हम नंबर हमें मिला है 7/9 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्सपोनेंट और पावर इस चैप्टर से एक लॉ है। उस लॉ के मुताबिक अगर किसी रेशो को अगर पावर है तो उस पावर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसी तरह से हम 7/9 होल ब्रैकेट स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 7² / 9². अब देखिए दोस्तों, 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो दोस्तों इस तरह से हमें 0.777- होल ब्रैकेट स्क्वायर का जो आंसर हमें मिला है वो मिला है 49/81। तो इस वैल्यू को आप यहाँ तक ही रख सकते हैं, या कुछ लोग इसे डिवाइड करने के बाद सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसे डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 0.6049। तो ये हुआ हमारे इस सवाल का जवाब। तो कुछ इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। तो इसी तरह के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।